हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। रिएक्शन करने लगी हूँ आज मैं विराट कोहली के अग्रेसिव मोमेंट्स पर, अग्रेशन पर बेसिकली। सो मैंने कहा था कि देखेंगे सब क्रिकेटर्स में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव कौन है और सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेशन है वो अग्रेसिव तरीके से कौन करता है। सो मैंने सुना है विराट कोहली की सेलिब्रेशन काफ़ी अग्रेसिव होती थी। अब मुझे लगता है ही इज़ वेरी काम एंड यू नो बहुत शांत पर्सन मुझे ऐसा लगता है उनमें से जब मैं उनको देखती हूँ। लेकिन पहले का मैंने काफ़ी कुछ सुना हुआ है कि जिस तरह यू नो पहले की क्रिकेट में काफ़ी टीम्स के क्रिकेटर्स एक दूसरे को यू नो ऐसे लुक्स देते थे। सो अब थोड़ा ये चीज़ थोड़ी कम हो चुकी है लेकिन अभी भी शायद होती होगी। फिलहाल देखते हैं विराट कोहली को और मज़ीद किस पे करूँ, किसका अग्रेशन सबसे ज़्यादा है ज़रूर बताना। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर फॉलो ज़रूर कर लेना एंड लेट्स प्ले द वीडियो। आई थिंक मज़े की वीडियो होने वाली है, देखते हैं। Someone asked me what is the best feeling in the world. I replied, Virat's aggression. Ye IPL ke hain, I think. Ye test match mein bhi yaar aggression hai, wah bhai. Acha maine test match kabhi nahi dekhe. When I see Virat Kohli's aggression, अच्छा ऐसे सब बहुत करते हैं यार। ये फाइट नहीं प्यार है, ये कौन सी फाइट थी? अच्छा आई थिंक ये गौतम गंभीर वाली फाइट है। ये फाइट का मुझे पता है कुछ हुआ था लेकिन हुआ क्या था पता नहीं। विराट कोहली भी आगे एक ग्रेट प्लेयर बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। King Kohli is insane craze in Australia. One of the most loved cricketers in the world है मुझे लगता है विराट कोहली। ओह ये गाली दी है ना? मैंने लिपसिंग से मुझे ऐसा लगा है। Virat lose his form. Not good performance in IPL. People troll Kohli. Some people troll Anushka. हाँ मैंने वो देखा था, अनुष्का को बहुत ट्रोल किया गया था वो पर महादेव पूजा। किंग ऑफ क्रिकेट हो, चोट लग गई है। ये ऑस्ट्रेलियंस के साथ हो रहा है ना, मैंने काफी दफा देखा है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो विराट कोहली की पंगे हुए हैं ना वो ऑस्ट्रेलियंस के साथ हुए हैं। वर्ल्ड कप 2027 इज यार 2027, अभी 2022 का 23 का तो हो लेने दो। बट विदाउट देम अच्छा हाँ ये मैंने काफी जगह देखा है लेकिन ऐसा कंफर्म तो नहीं है ना अभी, हो सकता है वो भी हो। बट ऑफ सीज हाँ ये भी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन है। देन दे मेट दिस मैन, जिस तरह विराट कोहली ने रास्ता रोका था ना बड़ा मस्जिद का था, वो मैंने पहले भी देखा है। अच्छा टेस्ट मैच के ज्यादा अग्रेसिव मोमेंट्स हैं तो मुझे लगता है टेस्ट मैच भी मुझे देखने चाहिए। अच्छा इनकी लड़ाई किस वजह से हुई थी वो मुझे आज तक पता नहीं चला। Who made you fall in love with cricket? This man, King Kohli. ओहो स्माइल भी बड़ी हैंडसम है।
यहाँ पे मुझे लग रहा है मूड खराब है थोड़ा, है ना, फेस एक्सप्रेशन जैसे लग रहे हैं, आउट हो गए हैं शायद। ओहो हो, ऐसे ग्लव्स फेंके हैं। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं विराट कोहली का फैन हूँ, कोई एक्टर वेक्टर का फैन नहीं, मैं किंग कोहली का फैन, किंग कोहली का फैन हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बैटिंग देखने के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं ना उनके ज्यादा फैंस होते हैं एक्टर्स से। अच्छा, ये सब क्रिकेटर्स का डांस सिखा रहे हैं बेसिकली, सभी डांस कर रहे हैं। ईशान किशन। अच्छा, मैं एक और पार्ट करना चाहती हूँ क्रिकेटर्स फनी मोमेंट्स का, तो वो भी जल्दी आएगा। Wake up to reality. Do I look the Pooja part types? Locking on God and the wizard arrives at Mahakal Mandir. मतलब मंदिर से जब वो आए एंड देन फॉर्म वापस आ गए। विराट इन ब्लैक कुर्ता। किंग ऑलवेज किंग। अच्छा, अंपायर से भी लड़ाई हो गई थी, ये भी मैंने देखा था एक जगह। लड़ाई मतलब अग्रेसिवली बात हुई। आई थिंक उनका ना सेलिब्रेशन थोड़ा अग्रेसिव होता था, जिसकी वजह से लगता था ही इज वेरी अग्रेसिव। बट सबका सेलिब्रेट करने का एक अपना तरीका होता है, उनका ये तरीका है। ये कौन सा केक क्या हो रहा है? आई थिंक ये वही सीन है गौतम गंभीर और विराट कोहली वाला, किसने कैप्चर कर लिया हुआ ऑडियंस को। ये हुआ क्या था मुझे जानना है, ये हुआ क्या था एक्चुअल में। दोनों ही मुझे लगता है एक दूसरे पे कुछ कह रहे थे एक दूसरे को, पर ये मैच कौन जीता था? लोग कोहली कोहली कह रहे हैं। Who's your favorite cricketer? Virat Kohli. So Rohit Sharma or Virat Kohli? I think she will say Virat. Rohit Sharma current Virat. Dekha. Any favorite cricketer for you? I like Anushka's boyfriend. Anushka's boyfriend. Ab Anushka's husband hai. Vamika's father. This smile. अच्छा, काफी बीच में ना सीन्स है टेस्ट क्रिकेट के, तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट मजे का ही होता होगा, आप लोग देखते हैं ना। नाइस एडिट, ये आई थिंक वेस्ट इंडीज था साथ में। द किंग कोहली। सो ये थे किंग कोहली के कुछ मोमेंट्स। अच्छा, जैसे मैं टेस्ट क्रिकेट का कह रही हूँ, तो टेस्ट क्रिकेट मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कोई छोटे टाइम की चीज़ हो, जैसे अगर मूवीज और सीजन्स में से। आई प्रेफर मूवीज बिकॉज वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, सीजन्स लंबे चलते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट लंबा चलता है और जो T20 है वो थोड़ा छोटा चलता है। सो T20 में मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ऑब्वियसली अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ है तो आपको यही दिल करेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चले। तो टेस्ट क्रिकेट के जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट आई थिंक पसंद होता होगा। और विराट कोहली की मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उनकी जो ज़्यादा इस वीडियो में या ओवरऑल में भी
ऑस्ट्रेलियंस के साथ थोड़े ज्यादा अग्रेसिव मोमेंट्स थे जहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस के साथ थोड़े ज्यादा पंगे थे उनके, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। वैसे अग्रेसिव सेलिब्रेशंस थी जो के चलती हैं, वो तो सबकी ही एक एक तरह से अग्रेसिव सेलिब्रेशन हर किसी की ही होती है आउट करके, तो जाहिर से बात है। तो मजीद कौन है जो मजीद अग्रेसिव जिनके मोमेंट्स हम देख सकते हैं जिनका अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडियन क्रिकेट में कहा जाता है? वैसे गौतम गंभीर का भी मैंने सुना है ही इज़ वेरी अग्रेसिव, लेकिन इन दोनों की लड़ाई किस वजह से हुई थी ये वजह मुझे आज तक पता नहीं चली, लेकिन अब मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।